अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ और आपकी दुआ है। आज मैं क्या बना रही हूँ मालूम है? बहुत ही सिंपल रख रही हूँ, चिकन स्वीट कॉर्न चिकन सूप, जो मैं यूजुअली नॉर्मल जो स्क्रैच से बनाते हैं हमेशा वैसा बनाती हूँ, बट आज मेरे पास टिन है, जिसे आप देख सकते हैं टिन आता है, उससे मैं क्विकली बना लूंगी। और दूसरा मैं बना रही हूँ ये चिकन लॉलीपॉप्स। यहाँ पर मैंने समझे ना दो डजन ली है, 24 पीसेस है। मैं दो डजन का हिसाब से बताती हूँ, अगर आपको 12 पीस का बनाना है तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या करना है। मेरे जो मेजरमेंट्स है उसे आधा कर दीजिए, अगर आप भी 24 पीस का बना रहे हैं तो जो मेरा मेजरमेंट है वही रहने दीजिए, उसी हिसाब से आप आगे कैलकुलेट करते जाइए। तो यहाँ पर मैंने ये 24 पीस धो लिए हैं लॉलीपॉप्स के, और एक बड़े से बाउल में इसे मैंने छानने रख दिया था 5-10 मिनट के लिए साइड पर। अभी मैं एक बड़े से बाउल के अंदर इसे डाल देती हूँ। और चलिए आप सारे सॉसेस वगैरह डालते हैं इसमें। डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कीजिएगा। और अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वैसे ये घर में बना हुआ, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर्चियों को है ना कूट लिया है, आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, आप ये भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस और 2 छोटे चाय के चम्मच विनेगर। इसके साथ साथ अब डाल दीजिए शेजवान चटनी, आप चाहें तो शेजवान चटनी लें या शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। तकरीबन 6 टेबलस्पून डाल दीजिए, इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं ना टमाटर सॉस डाल रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, वो भी खाता है। अगर आपके भी छोटे बच्चे हो तो आप डालिएगा, नहीं तो टोटली स्किप कर दीजिए, वो ऑप्शनल है। मैं 1/2 टेबलस्पून भरकर टमाटर सॉस भी डाल रही हूँ, मिक्स कर लीजिए। 2 अंडे फोड़कर डालकर उसे भी मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं है ना यहाँ रेड फूड कलर बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर उसके बजाय मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 से 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एज अ कलर भी इस्तेमाल होगा और हल्का सा स्पाइस मिलेगा। अब यहाँ मैं डाल देती हूँ 8 से 10 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून जितना मैदा, आप चाहें तो पूरी तरीके से भी कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं और स्किप कर सकते हैं मैदे को, या आप चाहें तो आधा आधा दोनों डालिए, बट मैंने ये 8-10 कॉर्नफ्लावर डाला है टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ये डाला है मैदे का। आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने ढककर फ्रिज में साइड पर रख दीजिए जितना समय आपके पास हो। लेकिन अगर आप अगले दिन रात को या शाम को इसे मसाला लगाकर फिर मैरिनेट करके रखते हो और नेक्स्ट डे बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट अब मेरे पास भी 2-3 घंटे हैं तो मैं इसे 2-3 घंटे ढक कर फ्रिज में रख देती हूँ। चलिए अब स्वीट कॉर्न चिकन सूप की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 250 ग्राम चिकन बोनलेस ली हूँ, इसके मैंने आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीस किए, चर्बी निकाल ली। 2-3 पानी से धो के नितार कर एक पतीली में डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए 4 कप पानी, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। चूल्हा कर दीजिए फास्ट आंच पर चालू, जब अच्छा एक उबाल आ जाए तो चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और 12-15 मिनट इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये जो चिकन नहीं हो जाती है। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन पूरी तरीके से गल चुकी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये चिकन को निकाल लेती हूँ छान कर इसमें से, और ये जो पानी है ना इसे भी मैं अलग से छान कर फिर से यही पतीली के अंदर डाल रही हूँ। हाँ, तो ये जो जो आपको छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं ना वो सारे भी निकल जाएंगे और पानी आपको क्लियर मिलेगा। ये देखिए छाना हुआ पानी है, ये मैं पूरा अभी फिर से इसमें डाल देती हूँ। ये है तकरीबन 2.5 कप चिकन स्टॉक का हमें जो मिला है वो वाला पानी है, और मैं फ्रेश पानी जो है वो डाल रही हूँ पीने वाला, तकरीबन 4 कप, तो टोटल हो गए 6.5 कप। अच्छा, आपको कम का बनाना है तो आप कम का बना सकते हैं, आगे जो भी इंग्रेडिएंट्स है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए ये मैंने डाल दिया टोटल 6.5 कप। अच्छा, मैंने यहाँ ये आप देख सकते हैं एक टिन लिया है, टिन के अंदर का है ये सारा, मैं इसमें ये जो मिक्सचर है इसमें डाल देती हूँ। जैसे अभी आपने देखा मैंने पानी डाला है, ये डाल दीजिए सारे को। इसे मिक्स कीजिए और इसे चलाते रहिए। मैं चूल्हा भी चालू कर देती हूँ, 1 मिनट तक थोड़ा डाल के इसे चलाकर डाल दूँ उसमें, क्योंकि चिपका हुआ होगा वो सारा आ जाएगा ना, तो कोई हमारी चीज वेस्ट ना हो। चलिए ये सारा बहुत अच्छे से निकल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। चलिए अब मैं इसे है ना चूल्हा चालू करके इसे पकाती हूँ।
और ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सारे जो गठे टाइप लम्ब दिख रहे होंगे, तो ये लूज लूज करके वो थोड़े से पूरी तरीके से एक रस हो जाएंगी ये पानी के अंदर। बीच बीच में इसे चलाते रहिए मीडियम आंच। अभी फिलहाल मैं चूल्हा फास्ट आंच पर रखी हूँ, एक दो मिनट बाद एक उबाल आ जाता है तो मैं मीडियम कर दूंगी। साइड बाय साइड यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को 1/4 कप पानी में घोल बना लिया, स्लरी बनाकर साइड पर रखी है। जब इसमें एक उबाल आ जाता है, ये देखिए उबाल आ चुका है कुछ देर में ही, तो यहाँ पर ये स्लरी डाल दीजिए कॉर्नफ्लावर की। इसके साथ साथ नमक डाल दीजिए। नमक के लिए आप ज़रा ध्यान रखिएगा, टेस्ट करके डालिएगा, क्योंकि ये जो हमने टिन लिया है उसमें भी नमक होता है, और इसमें थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए नमक के साथ साथ 1.5 टेबल स्पून जितना मैं शक्कर भी डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर दीजिए, चूल्हा मीडियम पर है, और इसे 2-3 मिनट पकने दीजिए। जब ये 2-3 मिनट पकेगा ना, तो हमें आइडिया आएगा कि क्या कम है, तो हम वो हिसाब से और फिर ज़्यादा एडजस्ट कर सकेंगे। अच्छा, जब आप 2-3 मिनट हो जाती है तो आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने फिर से 1 टेबल स्पून जितना थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लावर को मिलाकर उसकी स्लरी फिर से डाल दी। चूल्हा मीडियम पर ही है, तो आप देख सकते हैं अब बराबर गाढ़ा हुआ। चूल्हे को अभी फिलहाल मैंने स्लो कर दिया। इसमें नमक चख लीजिए, बराबर तो है मैं, लेकिन तो भी हल्का कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून जितना फिर से शक्कर डाल रही हूँ। तो आपने देखा मैंने 2 टेबल स्पून जितनी शक्कर डाली। पहले आप भी थोड़ी डालिए, फिर थोड़ी बाद में डालिएगा, और जब आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाकर डालें तो कंटिन्यूस चलाते रहें कि कोई लम्ब्स फॉर्म ना हो जाए। अब स्लो आँच पर इसे तकरीबन 5-6 मिनट पकने दीजिए। उसी दरमियान आप सारी चिकन डाल दीजिए। थोड़ी मैंने साइड पर रख दी है चिकन, सो दैट मैं जब प्रेजेंटेशन करूँगी तब डालूंगी। अब इसे आराम से 5-6 मिनट पकने दीजिए स्लो आँच पर। बार बार चलाते रहिएगा, और मैं 5-6 मिनट के बाद इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप चाहे तो यहीं से कंटिन्यू कीजिए। चलिए, मैंने क्या किया था, इसका चूल्हा बंद करके मैं चली गई थी नमाज पढ़ने के लिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर दूसरी ओर मैंने रख दिया है तेल गरम करने के लिए फास्ट आंच पर कढ़ाई के अंदर। मेरी कढ़ाई जो है वो मोटी है, हमेशा कोशिश कीजिए मोटी कढ़ाई रहे कि हमारी ओवर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी के जो ये रहते हैं चिकन लॉलीपॉप्स वो अंडर कुक्ड होते हैं या फिर थोड़े जल जाते हैं, तो क्या थोड़ी थिक रहेगी ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पतीली थिक रहेगी। और जो तेल है ना, वो जो टेम्परेचर है ना तेल का, वो परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा गर्म हो गया, मैं इसे मीडियम आंच कर देती हूँ कि मीडियम आंच पर थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा गर्म होगा। तब तक यहाँ साइड पर मैं 2 अंडों को फोड़ लेती हूँ। अच्छा, ये 2 अंडे जो है ये हमारे सूप के लिए है, तो जब मैं थोड़े से फ्राई कर लूंगी तो उसके बाद जब निकालना होगा ना, तभी ही सर्व करना होगा, तभी मैं ये अंडा फेंट के डालकर फिर 1-2 मिनट पकाकर फिर सर्व करूंगी। तो अभी मैं फिलहाल इसे रहने देती हूँ, पहले थोड़े फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन इसकी प्रिपेरेशन पहले तक करके रख देते हैं। चलिए, मैं इसे फेंट लेती हूँ। आप देख सकते हैं बस फेंट के रख दीजिए। मैं यहाँ रख देती हूँ, और ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी फ्रिज से निकाला है चिकन, तो अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। कुछ फ्राई हो जाएंगी, तो उसके बाद इसका चूल्हा चालू कर दूंगी, और इसका भी 2-3 मिनट, जब तक ये 2-3 मिनट में हो जाएगा तब तक मेरी ये चिकन भी बाकी की हो जाएगी, तो मैं एक साथ सारा सर्व कर सकूंगी। तो चलिए मैं आपको ये फ्राइंग का बता देती हूँ। तेल के अंदर जब आप ये कांडी डालें और ऊपर हल्का सा जब आप देखें अच्छे खासे बबल्स आ रहे हैं सरफेस के ऊपर, इसका मतलब तेल रेडी है। अब एक ये लीजिए चिकन लॉलीपॉप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर गरम गरम तेल में डाल दीजिए। फ्यू एट अ टाइम डालें, 5-6 एट अ टाइम डालें, वेल कोट करके डालिएगा, और चूल्हा मीडियम पर है। तकरीबन 6-7 मिनट तक इसे पकने दीजिए, तब तक तो चिकन पूरी तरीके से गल जाएगी। अभी फिलहाल 1-2 मिनट के बाद चिकन को पलट दीजिए, उलट पलट करते जाए, और 7-8 मिनट इसे अच्छे से मीडियम आंच पर पकने दें। जब 7-8 मिनट हो जाते हैं तो वो पक भी जाएगी और गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। जब 7-8 मिनट हो जाए तो निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए बैचेस के अंदर। तो ये तब तक फ्राई हो रहे हैं, 7-8 मिनट लगेगी। मैंने यहाँ इसका चूल्हा चालू कर दिया था, और ये देखिए एक उबाल आ चुका है, 1-2 मिनट पहले ही चालू किया। जब उबाल आ जाए तो अब हम क्या करेंगे मालूम है, मैं एक हाथ से डाल रही हूँ और दूसरे हाथ से आपको दिखा भी, दूसरे हाथ से चलाती रहूंगी कि एक हाथ से इसमें डालिए, थोड़ा डालिए, और इसे ऐसे क्विकली मिक्स करते जाइए ऐसे।
डालिए और मिक्स कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मिक्स करते जाइए और बाकी का थोड़ा डाल दीजिए लास्ट का और बस। आप देख सकते हैं अब इसे मीडियम आंच पर 1 से 2 मिनट पकने दीजिए, तो गरम भी हो जाएगा तो आप निकाल सकेंगे। तो ये हमारी बन गई स्वीट कॉर्न चिकन सूप, बढ़िया से मजेदार से, और साइड पर हो रहे हैं हमारे चिकन लॉलीपॉप्स। अच्छा, जब सूप में अंडा डालें तो चूल्हा फास्ट आंच रखिएगा। चलिए ये सारे हो चुके हैं चिकन लॉलीपॉप्स, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और उतार कर साइड पर रख देती हूँ। मैंने इस साइड पे ले लिया और गर्मा गर्म मैं इसे प्याले में निकालती हूँ और सर्व करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो सूप को ऐसे ही सर्व करें या फिर विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस साइड पर रखें, वो थोड़ा थोड़ा ड्रिजल करके खाएं। चलिए ये बन गए बढ़िया से लॉलीपॉप्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। शेजवान चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए, बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार से बने हैं। और सूप आप चाहें तो एज इट इज सर्व कीजिए या सॉसेस के साथ सर्व कीजिए। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत पसंद है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे मेरी ये रेसिपी तो लाइक करना ना भूलिए, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी ये जो लिंक्स है रेसिपीज़ के फॉरवर्ड करना ना भूलिए। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार, दमदार, मस्त, मज़ेदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इन्जॉय चिकन लॉलीपॉप एंड स्वीट कॉर्न चिकन सूप।